Napo poi per questi battere in Apuglia. मैं
उन पब्लिसिटी लेने वाले लोगों ये पब्लिसिटी पब्लिक दला दो युक्तेंद्र जलाल मैं जो जीवन में मैंने देखा है मैं इनको देख रहा हूँ हमें मन में ऐसा जा रहा है मन में क्यों भी जा रहा है उसको दिल्ली बुला लो चाहे कहे तो नहीं लड़ा तो पार्टी बना देना ये हमारे समाज को तोड़ने की सही बात है सही बात है पाकिस्तान जाओ सेकुलरिज्म की सबसे बड़ी निशानी है उसके कारण ईसाई भी है मुस्लिम भी है सब कुछ है गुजरात सलमान खान है हिंदू भी है खान भी है ईसाई भी है सब कुछ है हम वो चर्चा नहीं करते कैमरा पीछे ले यार फ्रेम में आ रहा अरे ऊपर क्या फ्रेम में आ रहा है पूरा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिन्होंने देश को आज़ादी लेके दी थी और अमन और शांति के पुजारी थे उनको लेके जो एक मैराथन रखी है अमन शांति के लिए और जिस तरीके से हमारे जवान भारत माता की सीमाओं की भारत माता की आज़ादी की रक्षा करते हुए शहीद हुए हैं उनकी श्रद्धांजलि के लिए देश की जनता को जगाने के लिए और वहाँ पर ख़ास तौर पर जो नील जी ने जो जिनको बुलाया है पब्लिक नहीं इतनी बुलाई उसमें सुरक्षा फोर्सेस के जवान बुलाए हैं जो उस दिन शांति का संदेश भी देंगे और पाकिस्तान को किस तरीके से हमने ललकारना है और आतंकवादियों को किस तरीके से हमें समाप्त करना है और किस तरीके से इन शहीदों को श्रद्धांजलि देनी है उसके लिए आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि पूरा देश पूरी दुनिया में बैठा हुआ हिंदुस्तानी जाए पाकिस्तान के लिए आपके क्या ख्याल है वो बार बार क्यों हमले करता है सबसे पहली बात तो ये है कि It's 5 o'clock. जब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने पहली बार राष्ट्रपति के कार्यक्रम में छप्पन ग्रह में बुलाया था उनको तो सब हैरान थे कि मोदी जी ने क्यों बुलाया और जब मोदी जी पाकिस्तान में गए वो भी हैरान थे पर मैं आज महसूस करता हूँ कि हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया को बता दिया है कि हम महात्मा गांधी जी की तरह अमन शांति चाहते हैं हम नहीं चाहते पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान में हो किसी बेगुनाह का खून बहे किसी बहन का सुहाग उड़े को बच्चा यतीम करो हम तो शांति चाहते हैं पर अगर पाकिस्तान की तरफ से बार बार नरेंद्र मोदी जी का उनको बुलाना और जाने के बाद बार बार बैठक करने के बाद अगर पाकिस्तान नहीं सुधरता है तो अब तो उनको करारा जवाब देना होगा पर पहला करारा जवाब हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि कश्मीर के अंदर 370 धारा हट जाए यही शहीदों को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी और मैं यही कहना चाहूँगा हे पाक तेरा ख्वाब एक नज़ारा ही रहेगा
तो किस्मत का मारा है, मारा ही रहेगा, तेरे हर सवाल का जवाब करारा ही रहेगा, कश्मीर हमारा है, हमारा ही रहेगा। दूसरा ये कहना चाहूंगा, फिर दिखा दी फितरत तूने, फिर जख्म पुराने खोद दिए, जिस माँ ने तुमको जन्म दिया उस माँ का दामन नोच लिया, उस पाकिस्तान को ये कहना चाहूंगा। बेटा बाजी, इन दिनों देश के हालात को आप किस नजरिए से देखते हो? हमारे देश के हालात बहुत बढ़िया हैं, हमारे देश में कोई ऐसी गलत बात नहीं है जिसमें हमारा देश कमज़ोर हो रहा हो, पर हाँ, ऐसे आतंकवाद के मुद्दे के ऊपर राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियां एक दूसरे पे इल्ज़ामबाजी लगाने की बजाय पाकिस्तान को बता दे, दुनिया को बता दे कि आतंकवाद के मुद्दे के ऊपर हमारी कोई राजनीति नहीं, हम एक हैं। जिस दिन ये चीज़ सबके सामने साबित हो जाएगी, मैं महसूस करता हूँ कि आतंकवाद नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी पंजाब की तरह, क्योंकि पंजाब में भी आतंकवाद था। जब कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम, सीपीआई एक मंच पे इकट्ठी होगी और कहा कुर्सी नहीं चाहिए, सत्ता नहीं चाहिए, हमें तो पंजाब को देश से टूटने नहीं देना है, वो लड़ाई लड़ी, कुर्बानियाँ सबने दी, अमन शांति आया, सारी पोलिटिकल पार्टियाँ एक होनी चाहिए सेकुलरिज्म के मुद्दे के ऊपर और भारत माता की आज़ादी की और टेररिज्म के मुद्दे के ऊपर एक होना चाहिए। देश के चार हिस्से में चार प्रॉब्लम चल रहे हैं, पंजाब में टेररिज्म के अलावा, सॉरी ड्रग के अलावा, कश्मीर में टेररिस्ट के अलावा, आंध्रा में पानी के अलावा, और ऑल ओवर इंडिया में 8 साल से लेकर 80 साल के महिला के ऊपर बलात्कार, इसको हवा कौन दे रहा है, पॉलिटिकल पार्टी या सोशल मीडिया? देखो, जहाँ तक बलात्कार की बात है, ये उन राजनीति से एक अलग मुद्दा है, इसके ऊपर तो एक आतंकवादियों के ऊपर जो कानून बने, फांसी, सजाए मौत, ऐसे बलात्कारियों के ऊपर होना चाहिए। बाकी कश्मीर का मुद्दा हो, पंजाब का मुद्दा हो, पानी का मुद्दा हो, ये सारे राजनीतिक मुद्दे हैं, हमारे राजनीतिक लोगों की देन है। अगर हम सेकुलर हैं, हम सब एक हैं, हमें वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं करनी है, हमने भारत माता की आज़ादी की रक्षा करनी है, हमें अपने समाज की रक्षा करनी है। कौन जात, कौन धर्म, कौन मजहब, अब मेरे से पूछो मेरा धर्म क्या है, मैं तो सीधा कहता हूँ मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम। ये भारत माँ में जन्म लिया और दोबारा कभी बम्बों गोलियों से जाऊँ, भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि इतना निकाल देना, भारत माता की जय, वंदे मातरम। क्या ये कहने में किसी को दिक्कत है क्या? जब ये चीज़ हर हिंदुस्तानी, हर पॉलिटिकल पार्टी अपना लेगी, हर व्यक्ति अपना लेगा, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम। पानी तमिलनाडु का हो, पानी पंजाब का हो, पानी कर्नाटक का हो, पानी तो सबका है, पानी तो पाकिस्तान में भी जाता है, वो भी लेता है हमारा पानी, वो भी पानी पीता है, पानियों का झगड़ा क्यों? झगड़ा पानी का नहीं है, झगड़ा वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, झगड़ा हिंदुस्तान की गिर रही राजनीति है, पानी का तो झगड़ा ही कोई नहीं। धारा 372 के बारे में क्या कहना है? अगर हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टियां सब सिंसियर हैं, पूरी सिंसियर हैं कि आतंकवाद समाप्त होना चाहिए, हिंदुस्तान के अंदर जो हमारे जवान थे उनको श्रद्धांजलि है, तो सीधा है कि वहां 370 धारा हटा दी जाए। बॉलीवुड के बारे में बेटा पाजी का क्या ख्याल है? क्योंकि सुना है और कहते भी है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, लेकिन हम कहते हैं कि सारे जहाँ से अच्छा फिल्मिस्तान हमारा, गुजराती के लड़के मुस्लिम के घर में, मुस्लिम के लड़के ब्राह्मण के घर में। अभी अभी मैं राजकुमार संतोषी के पास अभी होके आया, वो एक बड़ी अच्छी सारा गाड़ी के ऊपर बहुत अच्छी है, कहा उठाना। आइए हाँ जी, आओ आओ भाजी, इधर 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 मेरे भाई जैसे। थैंक यू। आप तो मैं अभी राजकुमार संतोषी जी से मीटिंग करके आया। हमारी ये कोशिश होती है, हम पूरे देश में यूनिवर्सिटी, कॉलेज, सोशल फंक्शनों में जाते हैं, सेकुलरिज्म के ऊपर, एकता के ऊपर, टेररिज्म के ऊपर, अवेयरनेस के लिए। ज़िंदगी का बड़ा सफ़र गुजर गया, बचा हुआ बोनस का ये भी गुजर जाएगा, पर एक पिक्चर जो होती है, चाहे वो सेकुलरिज्म के ऊपर हो, चाहे वो टेररिज्म के ऊपर हो, चाहे वो भगत सिंह जी के ऊपर हो, चाहे वो हॉलीडे जैसी पिक्चर हो कि आम आदमी ने अपनी जिम्मेदारी कैसे निभानी है, तो अगर पिक्चर एक मार्केट में, एक हिंदुस्तान में, दुनिया में अच्छी आ जाती है, हमारी जो मेहनत
बीस बीस साल की मेहनत है, वो एक पिक्चर ही काम कर सकती है। तो सवाल जो बॉलीवुड का सवाल है, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल इस भारत माता की सेवा के लिए, सेकुलरिज्म के लिए बहुत बड़ा अदा करता है, जिसको हमें सबको मानना ही पड़ेगा कि अच्छी पिक्चरें बने जो देश को मजबूती का काम करे, सेकुलरिज्म का काम करे। अभी आपके सामने मिस्टर लल्ला मुराद और मिस्टर अली खान आ चुके हैं, उनका हम आगे दिल से स्वागत करते हैं। थैंक यू। बेटा भाजी, हमने सुना है कि आपके लायक के ऊपर कोई फिल्म बनने जा रही है, ये बात कहाँ तक सच है? देखो, मेरे पास वाजपेयी जी, संजय वाजपेयी जी, वाजपेयी ने संजय चौहान जी वहाँ वो आए थे, एक उनके साथ कोई डायरेक्टर थे, उन्होंने मुझे अप्रोच किया था और मैंने उनको पूरा विश्वास दिलाया है और जो भी मैं उनकी हेल्प कर सकता हूँ वो मैं करूँगा, क्योंकि जो मैंने जीवन के अंदर एक लड़ाई लड़ी है, जो अपने कर्तव्य को पूरा किया है, अगर समाज को नई जनरेशन को दिखाना चाहते हैं कि ज़रूरी नहीं हम फौज में, पुलिस में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में जाके ही देश की सेवा कर सकते हैं, हम एक आम नागरिक बन के भी अपने देश की सेवा कर सकते हैं, वो थोड़ा सा उन्होंने मुझे कहा है और वो अपनी मेहनत कर रहे हैं, जो मेरा सहयोग होगा मैं उनको दूंगा, बनानी तो उन्होंने है। रजा भाई, देश के हालात के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सबसे पहले बिट्टा जी की खिदमत में एक शेर अर्ज करूंगा। इन्हें मिटाने की बड़ी कोशिशें की गई लेकिन ये आज एक चट्टान की तरह आज भी हमारे सामने है, तो मैं इनकी खिदमत में ये शेर अर्ज करता हूं कि नूरे हक शम्मे इलाही को बुझा सकता है कौन, नूरे हक शम्मे इलाही को बुझा सकता है कौन, जिस नामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। तो मैं हमेशा इनका प्रशंसक रहा हूं और एक कहावत है कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा, जो हिम्मतवर शख्स होता है खुदा भी उसकी मदद करता है। आज बिट्टा जी जैसे देशभक्तों की हमें बहुत सब जरूरत है। जैसे भी हालात चल रहे हैं, मुझे वो आपको बताने की जरूरत नहीं है किस तरीके से सरहदों पे खतरा मंडरा रहा है। हमारे पेशेंस की, हमारे सब्र का इम्तिहान दिया जा रहा है, लेकिन सब्र जो है वो भी किया जा सकता है और हम चाहते हैं कि ये सब्र का बांध जो है ये एक दिन टूटे, क्योंकि खामोश रहना या ज्यादतियां बर्दाश्त खामोश रहना भी जो है वो एक अच्छी निशानी नहीं है होता। तो मैं यही कहूंगा कि हमारी जो फौजें हैं, जो हमारे बहादुर जवान हैं, वो देशभक्त होने के साथ साथ बड़े नर्म दिल के होते हैं। जब भी हम जाते हैं कहीं भी उनसे मिलते हैं, बड़ी हमारी खातिर तवाज़े करते हैं, तो वो हमारा सरमाया है। और ये कहूंगा कि वो जागते हैं सरहदों पर इसलिए कि हम सब अपने घरों में आराम से सो सके। तो मैं सलाम करता हूं अपने जवानों को, अपनी बहादुर फौज को, और ये मेरा दावा है कि हमारी फौज है, जो हमारे बहादुर जवान हैं, अंग्रेजी में कहते हैं दे आर सेकंड टू नन, उनका कोई मुकाबला नहीं है, वो बहादुरी में, वो हिम्मत में किसी से कम नहीं। यही कहूंगा कि झगड़ा जो है बहुत बुरी चीज है, झगड़ा होना नहीं चाहिए, लेकिन झगड़े के लिए अगर वादा किया जाए तो आदमी कब तक खामोश रह सकता है। मैं यही बस दुआ करूंगा कि हालात सामान्य हों, काबू में रहें और हर जगह हम चैन हो, शांति हो।
तो खुद अपने आप में एक समस्या है, तो समस्या से आप उस समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं? बस यही कहना चाहता हूं, देश के लिए, देशभक्तों के लिए, देशवासियों के लिए और मेरी बहादुर फौज के लिए मैं कोटि कोटि में नमन करता हूं। जी, आप कई वर्षों से इस फील्ड में रमे हुए हो और हमेशा खेलते जा रहे हो, इसका राज क्या है, मैराथन के पीछे क्या आपका राज? जी, मैराथन के पीछे राज नहीं है, बेसिकली 2 अक्टूबर गांधी जयंती, बापू ने दांडी मार्च करके भारत को आज़ादी दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया था, और 2 अक्टूबर को एक छोटा सा ट्रिब्यूट है, और जो सबसे बड़े यूनिटी के और एकता के प्रतीक है वो हमारी सेनाएं, हमारी फौज और आर्म फोर्स है, तो सिर्फ उनको एक बापू को ट्रिब्यूट देने के लिए हमने ये मैराथन स्टार्ट किया है जो कि हर साल होता है। जहाँ तक मैंने पहली बार आपसे पूछा था और मुझे आज भी याद है, इसीलिए ये सवाल मैंने रिपीट किया कि इसके पीछे राज क्या है, तो दुनिया जानती नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूँ कि इनको पोलियो है, ये दौड़ नहीं सकते हैं, तो इनके दिमाग में एक ख्याल आया था कि अगर मैं नहीं दौड़ सकता तो क्या हुआ, मैं उन लोगों को दौड़ते हुए देख के ये फील करूँगा कि मैं दौड़ रहा हूँ। ये जो चीज़ है, ये बस उस समय आया कि मुझे लगता है कि हर डिसेबल आदमी बहुत ही लो कॉन्फिडेंस का होता है, और अगर उनके बीच का कोई आदमी लाइफ में कुछ अच्छा काम करता है तो उससे उनका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होता है, तो मुझे लगता है कि अगर मैं कुछ इस तरीके के इवेंट, कुछ इस तरीके की एक्टिविटी करके किसी डिसेबल को एम्पावर कर सकूँ, उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकूँ, तो उस पर्पज़ से हमने ये एक ऐसा इवेंट स्टार्ट किया, पर बेसिक पर्पस था यूनिटी, आर्म फोर्स, और मैराथन एक ऐसा इवेंट है जिसमें हर कोई पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हर कोई दौड़ सकते हैं, जहां पे मैं फील करता हूं कि मैं दौड़ रहा हूं। अब मैं नीम भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे बॉलीवुड के स्टारों ने जो आने वाले 2 अक्टूबर के लिए जो बैच दिए वो मीडिया के सामने पेश करें। इसमें मैं 3 वीडियो दिखाना चाहूंगा, प्लीज। एक छोटी सी वीडियो गांधी जी के ऊपर है, एक छोटी सी वीडियो एक अचीवर के ऊपर है जो आप देखेंगे, मैं उनको बताने नहीं चाहूँगा, वीडियो फिर से पूछूंगा कि अब आप नील के बारे में क्या विचार करते हो? मैं नील जी के बारे में बड़े अच्छे विचार रखता हूँ, जिन्होंने खुद एक पोलियो के शिकार हो करके भी जो दौड़ नहीं सकते और हिम्मत के साथ एक मूवमेंट, एक नई क्रांति, जो हमारे और बच्चे जो हैंडीकैप्ड हैं, जो पोलियो के शिकार हैं, कर नहीं सकते, उनके अंदर एक जोश पैदा करना सेक्युलरिज्म का, देशभक्ति का, और आज़ादी के उन दीवानों को याद करना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं समझूंगा कि हम इस मूवमेंट को सिर्फ बॉम्बे नहीं, पूरे दुनिया के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस मूवमेंट को चलाए। मैं तो ये कहूंगा आपके लिए कि मैं अकेला ही चला था जाने वे मंदिर मगर, मैं अकेला ही चला था जाने वे मंदिर मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बता गया। तो ये कारवां है, ये बहुत ही पॉजिटिव काम है, हमें ना सिर्फ इन्हें बधाई देनी है बल्कि इनके साथ कदम से कदम, कंधे से कंधा मिलाकर चलना है। और गांधी जयंती का मुबारक दिन है, तो ऐसा नहीं है कि हम फिल्म वाले जो नेशनल कॉजेज होते हैं उसमें हम पीछे रह जाते हैं, ऐसा नहीं है। जब भी हमें बुलाया जाता है, जब भी हमें समझाया जाता है, जैसा कि अभी आपने देखा कितना अच्छा रिप्रेजेंटेशन था फिल्म वालों का, लेकिन कोई आए तो सही, कोई बताए तो सही, कोई हमें अवेयर करवाए कि ऐसा कुछ हो रहा है। हम भी इंसान हैं, हम भी हिंदुस्तानी हैं,
राजू का या साबित को लेकर आए, अगर ना आते तो मुझे इसके बारे में कुछ पता चलता ही नहीं। तो मैं ये कहता हूं कि कभी भी कोई ऐसा प्रोग्राम हो, कोई समारोह जो भलाई के लिए है, जो विकलांगों के लिए है, एक शेर है कि नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो तब है कि गिरतों को थाम ले साथ। तो मैं आपको आश्वासन देता हूं कि फ्यूचर में भी हमारे पास अगर कोई आता है, कोई ऐसा काम है, तो पूरी इंडस्ट्री की तरफ से मैं रिप्रेजेंट करके कहता हूं कि आप आइए तो सही, आप हमें बताइए तो सही। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम ऐसे नेक काम में शामिल ना, और ऐसे नेक काम करके जो दिल आपका मुतमईन होता है, दिल को जो एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो जो खुशी है वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। तो मैं यही कह रहा हूं आप सबके माध्यम से, बड़ा अच्छा गाना है वंदे मातरम, गुड सॉन्ग, देशभक्ति का गाना है, बहुत मौके पर बजा। तो आनंद मठ एक फिल्म उसका गाना है, पृथ्वीराज जी थे उसमें, मेरे अब्बा हुजूर मुराद साहब भी थे, वो पृथ्वीराज जी के गुरु बने थे। देखिए गीताबाली जी थी, प्रदीप कुमार थे, आनंद मठ बहुत मशहूर फिल्म है। तो बस मैं यही इस यकीन के साथ कि जब भी किसी भी नेक काम के लिए हमें बुलाया जाएगा, हम तन मन धन से हाजिर रहेंगे। थैंक यू। थैंक यू दोस्तों, यहां तक मुझे याद है नेताओं का और अभिनेताओं का चोरी और दामन का साथ रहा है। जब भी देश के ऊपर कभी कोई भी विपदा आई है तो नेताओं ने, अभिनेताओं ने हाथ मिला के देश का साथ दिया है। जब चाइना वॉर हुआ था जिसके ऊपर एक फिल्म बनी थी हकीकत, और इसके बाद में सुनील साहब ने और नरगिस जी ने एक अपना एनजीओ बनाया था, और देश के जवानों के लिए वो बॉर्डर पे जाके उनके एंटरटेनमेंट के लिए प्रोग्राम करते थे। तो ये बात आज से 50 साल से शुरू हुई है, शायद ये पहला दौर था जब नेताओं ने, अभिनेताओं ने देश के लिए हाथ मिलाया था। मैं चाहता हूँ ये हिस्ट्री हमेशा कायम हो, नेता और अभिनेता का चोरी दामन का साथ रहे, क्योंकि हम अपने घर में तभी सोते हैं चैन से जब देश के ऊपर जवान आंखों में तेल लाकर जागता है। थैंक यू वेरी मच। मैं मेरे बड़े भाईजान रजा साहब की बात से जैसे इन्होंने कहा कि हम कलाकारों को साथ देंगे, हकीकत में देंगे, मेरे साथ अली भाई भी हैं। मैं नील साहब के लिए कहना चाहूँगा, मेरी एक फिल्म मैंने की थी विजय आनंद जी के साथ, मैं पढ़ तो नहीं सकता, मैं थोड़ा घूमना सकता हूँ। तू चला जो अपनी तलाश में तो कहाँ कहाँ से गुजर गया, था कदम कदम पर इंतहा, हर इंतहा से गुजर गया। तू चला जो अपनी तलाश में तो कहाँ कहाँ से गुजर गया, था कदम कदम पर इंतहा, हर इंतहा से गुजर गया। तो सनेता आपने जो जिद की है उस पर भी शेर है, तुझे जिद थी अपनी जमीन पर एक आसमान बनाऊंगा, तुझे जिद थी अपनी जमीन पर एक आसमान बनाऊंगा, उस आसमान की सजावट कई कहकशां से सजाऊंगा, कई कहकशां से सजाऊंगा, जो वो तारा था ना वो तेरा था, उस राह से वो गुजर गया, था कदम कदम पर इंतहा से गुजर गया। नील साहब को और सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक, और 2 अक्टूबर को हम सभी इनके कंधे से कंधा मिला के इस प्रोग्राम को बहुत ही सफल बनाएंगे। धन्यवाद। अब मैं गुजारिश करूंगा मिस्टर अली खान से हुआ था, और अली भाई को जो सबसे बड़ी फिल्म मिली थी मुकुल एस आनंद की, खुदा
हवा जिसमें अमिताभ बच्चन जी थे और श्रीदेवी थी और मैं उस फिल्म का पीआर था और हम दोनों के लिए ये फिल्म एक माइलस्टोन बनी हुई थी। दोनों रिलीज सामने भी रहते थे। हाँ, हम दोनों रिलीज भी रहते थे बांग्ला इसमें। तो तब से लेके आज तक के अली भाई को कभी किसी चीज का ना गुरूर आया है ना अभिमान आया है। वो हमेशा समाज के लिए लड़ते रहे हैं और मुझे लगता है लड़ते रहेंगे। मैं ये पूछना चाहूंगा अली भाई के आप क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले अली भाई बहुत शुक्रिया कि आपने माशाल्लाह एक बहुत नए काम के लिए शुरुआत की है। फिल्मों में तो आपने झंडा गाड़ा ही है, बड़ी बड़ी फिल्मों को प्रमोट किया है। अब हमारे स्टेट के ही मेरे बिहार से ही हूँ, गया से रजा भाई का फोन आया मुझे कि 10 मिनट में मेरे घर पे आओ। मैं फौरन पहुंचा। रजा भाई का जब भी फोन आता तो 10 मिनट में ही फासला होता क्योंकि हम दोनों आस पास रहते। मैं दिल से रजा भाई हम सब हमेशा जब भी कोई ऐसी खुशी हो या गम हो इस मुल्क में हम सब शामिल होते हैं। बहुत पुरानी बात है, जब मुंबई शहर में अटैक हुआ था तो बिट्टा साहब ने मुझे किसी से फोन करवाया था और अली साहब आपको वीटीएस स्टेशन के पास आना है और मैं वहाँ पहुँचा था। हमारे शहीद हुए थे कई जवान। तो हम लोग देश के लिए बहुत छोटे कलाकार हैं लेकिन माशाल्लाह बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और जब भी जरूरत पड़ती है। और आप तो एक ऐसा काम कर रहे हैं कि पूछे मत, पूरे मुल्क में आपका झंडा इंशाल्लाह होगा। और बड़ा नेक काम कर रहे हैं आप, दिमाग से बहुत दुरुस्त हैं और बहुत तेज है और बहुत अच्छी सोच है। शायर ने कहा कि सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे। जो आपकी सोच है, सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो किनारे बदल जाएंगे। वाह, तो आपकी ऐसी सोच है मेरे भाई, आप बहुत बुरी हैं म्यूजिक के। तो हम सब लोग आप सबका शुक्रिया कि आप लोग एक ऐसे काम में हाथ दे रहे हैं जो इंसान इतनी बड़ी सोच इतनी बड़ी कोशिश कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हम सब आपके साथ हैं, थैंक यू सो मच। राजू दरिया ने अली भाई नहीं आया, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, गुरूर नहीं आया। लेकिन जब ये बिरयानी खाते हैं तो इनको सूट जरूर आता है। सारे मेहमानों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सारे मीडिया से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सारे बॉलीवुड से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, बीटा पाजी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 तारीख को हजारों की तादाद में नहीं बल्कि लाखों की तादाद में आइए और नंदीगंज फाउंडेशन और न्यूज टर्मिनल का उत्साह बढ़ाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तस्वीर लीजिए।